तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैंने साइड इफेक्ट को लेके बनाए हैं सन्यासी आयुर्वेदों के लेके, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको नए से नए साइड इफेक्ट पता चलें इस दवा के, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें कि ये दवा मुझे लेनी है या नहीं, या मुझे नुकसान करेगी या नहीं नुकसान करेगी। तो सारी कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको एक से एक यूनिक फ़ायदे या नुकसान आपको बताए जाएँ। तो आज भी हम एक ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट को लेके बात करेंगे, नुकसान को लेके बात करेंगे, जो बिल्कुल यूनिक है और आपको पता चलेगा कि लोगों को किस किस तरह की समस्याएं इस दवा को लेने से आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह ऐसे बनाए हैं, तो ठीक है दोस्तों ऐसे आते रहते हैं, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक कमेंट दिखाते हैं। ऐसा ही कमेंट आया है संजय बरगा, ये कहते हैं दवा लेने से रोमांस करने का मूड ही नहीं होता, लेकिन ये दवाई ऐसी है 15 दिन में नज़र आएगी। तो यहाँ पे संजय का कहना ये है कि दवा लेने से रोमांस करने का मन नहीं करता है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि भाई कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि दवा लेने के बाद उन्हें जो है गुप्त रोग, यानी उनके सेक्सुअल जो है हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, यानी उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि दवा को लेने के बाद रोमांस करने का मूड नहीं होता, यानी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर वो हार्मोन्स जागेंगे ही नहीं तो आपका रोमांस करने का भी मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये समस्या आती है, और बाद में ये कहना चाह रहे हैं लेकिन ये दवाई ऐसी है 15 दिन में नज़र आएगी, यानी हो सकता है, इनका कहना मतलब ये है कि 15 दिनों बाद ये आपको ऐसी चीज़ हरकत लगने लगेगी या 15 दिन बाद आपको हल्की सी सेहत बनने लगेगी। तो इनके कहने के दोनों मतलब हो सकते हैं या दोनों में से एक मतलब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोगों के साथ ये समस्या आती रहती हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया रोमांस वाली बात, तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ लोगों के साथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, तो ये एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, सबके साथ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के साथ हुआ है अगर तो आप कमेंट करके बताएं, उसका सलूशन मैं आपको जो है दूंगा अगली वीडियोस में। तो ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको जो है उसका सलूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।